हम आपके हैं हिम्मत। एक बार फिर कहती हूँ, रुक जाइए। समधन जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता। हट जा गुल्लू बेटा, बचाओ गुल्लू बेटा। डैडी जी, डैडी जी, डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? भाई जब मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। डैडी जी कैम डाउन, बंदूक पीछे कीजिए आप। हट जाओ समधन जी। बेटी के घर का अन्न खाना और दामाद के घर गन ले जाना दोनों ही पाप है, बोल सांचे दरबार की जय। शास्त्र में लिखा है पंडित जी, वही जो आपने नहीं पढ़ा। सर आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। शट अप शिव सिंह, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता के दीवाने, जय मां, जय मां। ऑलराइट ओके, ठीक है। कर्नल युवराज सेठ ही अपनी बेटी की बंदूक लेके नहीं जाएगा, लेकिन देखता हूँ कब तक ये फूफा बाहर नहीं आएगा। जैसे ये बाहर आएगा सीधा ऊपर जाएगा। फूफा फूफा, हिम्मत है तो बाहर आ। गुल्लू बेटा चले गए बेटा, बहुत भूख लगी है, चाय समोसे हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ सोचो मत कुछ, आओ सोचना नहीं चाहिए, इंसिट कर देना चाहिए। आ जाओ जाओ, घबराओ मत बच्चों, हम हैं। फूफा जी हुआ क्या जो डैडी जी बंदूक लेके आपके पीछे पड़े थे? अरे कुछ नहीं, अपनी कर्नल पंक्ति दिखा रहे थे। सामी बेटा तुम तो अपने डैडी का नेचर जानती हो ना, अरे हम फिल्म दिखाने ले गए थे तुम्हारी बुआ और बच्चों को, बच्चों से पूछ लो। लो आ गए बच्चों, बेटा इधर 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 इधर। बच्चों ये बताओ कि हम तुम्हारी मम्मी को और तुम दोनों को मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने ले गए थे। वहां जाके हमने टिकट लेनी चाहिए लेकिन हमें टिकट नहीं मिली, तो बताओ उसमें किसकी गलती? पर आप ही की वजह से लेट हुए थे। क्या? किसका किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? आप ही का है। बड़ा बदतमीज बच्चा है। फूफा जी अगर टिकट नहीं मिली थी तो कल की टिकट ले आते। क्यों ले आते? तुम्हारी बुआ ने दो बार दबंग टू देखी है, तीसरी बार क्यों देखेंगी? हो सकता है दो बार में समझ ना आई हो। अरे कभी भी समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी बुआ कद्दू है। कद्दू कद्दू? हम मम्मी को जाके बोलेंगे कि आपने ना कद्दू कहा। क्या? हाँ मम्मी ने हमें इसीलिए भेजा था कि देखो पापा क्या बात कर रहे हैं। देखा, बच्चों से अपने पापा की जासूसी करवा रही है। ओके ओके ओके, देख लेंगे। अरे जरूर ये कर्नल भाई साहब का दिमाग चल रहा होगा, अरे जॉली के अंदर तो दिमाग है ही नहीं। हम लोग ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। बच्चों बस। फूफा जी ऐसा कीजिए ना, डैडी से माफी मांग लीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। माफी? भाई माफी क्यों मांगे? गुल्लू बेटा हमें कर्नल भाई साहब से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, तुम हमें राय दो। देखिए फूफा जी माफी मांगने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब भी मांगनी हो इंस्टेंट मांग लेनी चाहिए। ओके ओके, नहीं मांगनी चाहिए। ओके नहीं मांगनी चाहिए, फूफा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामू डैडी जी को भी समझना चाहिए ना, इस तरह थोड़ी बंदूक लेके किसी के भी पीछे भाग सकते। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अगर गोली चल जाती तो? अरे उनकी बंदूक में गोली नहीं होती है, सिर्फ मुंह में बोली होती है। तो आप क्यों भागे? अरे बेटा 1% भी चांस लेना ठीक नहीं है, अगर गोली होती तो पॉइंट। रामू फूफा जी ने डैडी जी के लिए कितना कुछ किया है, कितनी राय दी होंगी डैडी जी को, और डैडी जी हैं कि फूफा जी ऐसा कीजिए आप मेरे साथ चलिए, मैं डैडी से बात करती हूँ। नहीं नहीं बेटा बाहर निकलेंगे तो वो मार डालेंगे, वैसे भी वो जलते हुए तवे की तरफ तप रहे हैं। फूफा जी सही कह रहे, फूफा जी आप यहीं रहिए, जब तक डैडी जी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता आप इसे अपना घर समझिए, आराम से रहिए, किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या राय है भाई? हमारी राय में किसी के घर को अपना घर समझने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ओके ओके, समझ लेना चाहिए। ओके बेटा यही मस्ती कोरी तुम्हारी हमें बहुत पसंद है। सामने बेटा चलो इसी बात पर चाय समोसे पकौड़ी हो जाता हूँ।
और वो चॉकलेट चिप कुकीज जो तुमने मुझे भी नहीं खिलाई अपने फूफा जी को खिलाओ, है ना? जाओ बेटा जाओ, ले जाओ। जी फूफा जी। बेटा गुल्लू जरा ये रखो, मजा आ जाएगा। मम्मी मम्मी, पापा ने आपको कद्दू खा, कद्दू। क्या? मुझे कद्दू कहा? सुन रहे भाई साहब, आपकी छोटी बहन को कद्दू कहा? रिलैक्स बुआ, जाने दो। कौन सा फूफा जी के आपको कद्दू बुलाने से आप कद्दू हो जाओगे, और अगर हो भी गए तो कौन सा काट के हम आपकी सब्जी बना के खा जाएंगे? फ्राइज डारी चौली बेबी, पूरा मत मानो। कद्दू बुरी चीज नहीं है। कद्दू में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, और तो और जो कद्दू के बीज हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं, और फिर कद्दू के कोफ्ते बनते हैं, कद्दू के पकौड़े बनते हैं। आई मीन कद्दू 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 एवरीवेयर, कद्दू यू नो, एंड इट्स डिलीशियस एज वेल एज न्यूट्रिशियस। और कद्दू में तो गाने भी बनते हैं। यू आर राइट। याद है सर, एक बार आपकी पोस्टिंग आगरा कैंट में हुई थी और आप रोज सुबह सुबह उठ के अपना यमुना किनारे से घर में कद्दू लेके आते थे, तो भाभी जी ने आपका नाम कद्दू रख दिया था। मुझे याद है सर, तब आप थोड़े कद्दू जैसे गोल मटोल भी थे, मतलब कद्दू जैसी शक्ल थी आपकी, तो आगरा कैंट वाले ना आप दोनों को मिस्टर एंड मिसेस कद्दू कह के बुलाते थे। तब सर मैं बहुत इंसल्ट फील करता था सर। हमें याद है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद है। मैं भी कहां भूली हूँ मेरे कद्दू। रीटा, आई लव यू। आई लव यू टू मेरे कद्दू। भाई साहब, प्यार ही प्यार से ये मुझे तरबूज बुलाते थे, लेकिन मैंने आज तक आज ही आवाज नहीं उठाई, पर आज मुझे कद्दू कहा, कब तक चुप रहूंगी मैं? जॉली, तुम तो हमारा नेचर जानती हो। कुपा जी ने सबके सामने हमारी इज्जत उतारी और इसका फैसला भी सबके सामने ही होगा। लेकिन वो तो गुल्लू के घर में घुसे हैं। फिक्र मत करो, जिसने घर में घुसेड़ा है वही उन्हें निकालेगा। ओम सर्व मंगल मंगल सर्व सदाचारी के चरण त्रिंबके गौरी नारायण नमोस्तुते बोल साजे दरबार की जय। अरे दामाद जी, पप्पू जी। पापा जी, मैं नाराज हूँ। सुबह सुबह दामाद जी। जी पापा जी, आपने मुझे ये धोती कुर्ता क्यों पहनवा दिया? दामाद जी, आपने कहा था ना कि आप हमारी तरह महान पंडित बनना चाहते हैं, तो सपने पूरे करने के लिए जागना जरूरी है और महान पंडित बनने के लिए पंडित लगना जरूरी है। बोल सांचे दरबार की जय। पर मैं नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, आप मुझे पूजा करवाने के लिए अपने साथ लेके जा रहे हो, पर मुझे ये तो पता नहीं है मुझे करना क्या है। दामाद जी, कुछ नहीं करना है, बस हमारे पीछे पीछे स्वाहा स्वाहा बोलना है। हमेशा मुस्कुराते रहो, होठों को ऐसे हिलाते रहो जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। जिस क्लाइंट के यहाँ जाए उसे लगे कि आप देवदूत हैं। अरे मुंह ठीक कीजिए, वरना लगते भूत हैं। क्लाइंट को लगे कि आप ही उसे भगवान से मिलवा सकते हैं, आप ही उसकी फटी किस्मत सिलवा सकते हैं। जब क्लाइंट हो टेंशन में तो पंडित जिएंगे पेंशन में, जब क्लाइंट पे आए मुसीबत तो समझो पंडित अभी जग गई किस्मत। बोल सांचे दरबार की जय। पर मैं नाराज हूँ पापा जी। पापा जी, मुझे कोई मंत्र तो आता नहीं है। तो जब पूजा करवाते उनको कहाँ आता है? बोल सांचे दरबार की जय। पापा जी, धात्री स्वाहा स्वधा। पंडित जी, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात कर्नल साहब। कर्नल साहब, सुबह सुबह बंदूक हाथ में लिए चिड़िया मार रहे हैं क्या? पंडित जी, हम चिड़िया नहीं मार रहे, हम फूफा जी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पर फूफा जी तो कल से घर से बाहर नहीं आए हैं सर, बंदूक पकड़ के ऐसे खड़े हैं, लोग ये समझ रहे हैं ये चिड़िया मार रहे हैं। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ सर। शेर सिंह, वेरी गुड सर। पंडित जी, कल आपने अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से फूफा जी बच गए। और हमारी वजह से आप बच गए, क्योंकि अगर आप फूफा जी को मार देते गोली तो विधवा हो जाती आपकी बहन जॉली, हो जाती फिर आपको फांसी और उठ जाती आपकी भी डोली। बोल फांसी दरबार की जय। He's right सर। पंडित जी, आप हमारे संधि जी हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए था। He's be right। कर्नल साहब, हम आपके हैं संधि,
इसीलिए नहीं करने दी हरकत गंदी। अब जाने दे, पूजा के लिए देर हो रही है और वैसे भी चल रही है। मन दिबोल सांचे दरबार। पंडित जी, आप हमारे संधि हैं, तो क्या हमारी इज्जत आपकी इज्जत नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। हमारा बदला आपका बदला नहीं? बिल्कुल 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 है। तो ठीक है, हमारा बदला आप लेंगे। रूपा जी को आप बाहर लाएंगे। क्या? He's right सर, पंडित जी की हो गई हवा टाइट सर। वो साचे दरबार की जय। क्या बोल पप्पू जी, आप नाराज नहीं है? शेर सिंह जी, मैं पंडित हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट हो टेंशन में तो पंडित जिएंगे पेंशन में, जब क्लाइंट पे आए मुसीबत तो पंडितों की जग जाएगी किस्मत। बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? कर्नल साहब, जब अपनों के सामने कांपे हाथ तो समझो आस्तीन में पल रहा है सांप। बोल साचे दरबार की जय। हबी जी, हबी जी। हाँ। ये रहा आपका टिफिन। कुपा जी कहाँ हैं? होंगे यहीं कहीं, देखो। ओ हो, पता है कुपा जी कल रात को यहाँ सोफे पर सो गए थे और सुबह तक टीवी चल रहा था, इतने तेज खराटे ले रहे थे कि ऊपर कमरे तक आवाज आ रही थी। अरे मुझे तो लगा तुम खराटे ले रही थी। ओ हो, तुम ना ऐसा करो, तुम कुपा जी को लेके ऑफिस जाओ, मैं डैडी को मनाती हूँ कि इन्हें घर लेके जाए। हाँ, ओके। गुल्लू बेटा। गई फूफा जी। गुल्लू बेटा, तुम्हारा टूथपेस्ट तो कमाल का है, कहाँ से खरीदा? इम्पोर्टेड है क्या? हाँ, एकदम नीला, भाई मजा आ गया। आपने ब्रश कर लिया? हाँ। कैसे, आपका ब्रश तो यहाँ है नहीं। अरे बाथरूम में है ना। कौन सा? पीला। पीले टूथब्रश पर नीला टूथपेस्ट। मजा आ गया भाई। वो मेरा टूथब्रश था फूफा जी। अरे तो क्या हुआ? अरे मेरा झूठा, मैं यूज करता हूँ उसे। अरे बेटा तुम बच्चे हो, तुम्हारा झूठा क्या है? भाई देखो, हमारी फिक्र मत करो, हम बच्चों का झूठा सच्चा कुछ नहीं मानते हैं। बेटा ऑफिस जा रहे हो? हाँ फूफा जी, आप नहीं जाएंगे? भाई ऑफिस जाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब भी ऑफिस जाना हो इंस्टेंट चले जाना चाहिए। ओके, चले जाना चाहिए। लेकिन बेटा हम पहन के क्या जाएं? हमारे कपड़े तो हमारे घर पर ही रह गए हैं। आप ना लीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा ओके। दामू, क्या है गुल्लू उल्लू? दामू, ये सब क्या है? फूफा जी ने मेरा टूथपेस्ट यूज किया, अब क्या मेरा टावल लपेट के पूरे घर में घूमते रहेंगे? ओहो, क्या पूछ रहे हो? तुम ही ने उन्हें यहाँ रहने का आइडिया दिया था ना, इसलिए अपना ही घर समझिए। तो मुझे क्या पता था ये सब होगा यार। गुल्लू बेटा, भाई शैम्पू बहुत अच्छा है। तुम्हारा शैम्पू है तुम्हारा? पंडित जी, आपके कांपते हुए हाथों को देख के मैंने रियलाइज किया है कि बंदूक चलाना हर किसी के पास की बात नहीं, और आपको तो बिल्कुल नहीं। जैसे ये फूफा जी के कपड़े हैं, उनका ब्रीफ केस, उनको ऑफिस भेजने के बहाने बाहर निकालिए। देखिए कर्नल साहब, आप हैं लड़की के बाप और हम हैं लड़के के बाप, मत चढ़ाइए हम पे फूफा जी की हत्या का पाप। बोल सांचे दरबार की जय। जय पंडित जी, याद रखिए, शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दो खानदानों की होती, और जिस दिन गुल्लू और दामिनी की शादी हुई थी सिर्फ उनकी नहीं हुई थी, आपके और हमारी भी हुई थी। अच्छा, तो आप दोनों में से पति कौन है और पत्नी कौन है? शेर सिंह, तुम तो हमारा नेचर जानते हो, हम पति हैं और ये पत्नी है। बहुत अच्छे। देखिए कर्नल साहब, हम लड़के के बाप हैं
तो पति हम हुए और आप पत्नी। मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, आपने सासू माँ के होते हुए इनको अपनी पत्नी कैसे बना लिया? मैं नाराज हूँ। देखिए दामाद जी, लोग तो वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं, पर हमने तो इन्हें पत्नी बनाया है। क्या आपने कर्नल साहब को गधा कहा? मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। नहीं, पत्नी कहा। ओके, तो पति देव पत्नी की बात मानिए और फूफा जी को बाहर निकालिए। देखो भगवान, पूरी भजन कीर्तन नहीं हो रहा यहाँ पे। देखो भगवान, ये तुम सही नहीं कर रही हो, बंजर जमीन में घास चल रही हो बोल साचे दरबार की। जय पंडित जी, लेकिन एक अच्छे पति का फर्ज निभाइए और जाइए, वरना आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी। एक बार ये पत्नी नाराज होगी ना, आंसू ना बहा फरियाद ना कर, मैं जलता हूं तो जलने दे। दामाद जी, आप सामान उठा के अंदर निकल ले आइए। मैं नाराज हूं पापा जी। शेर सिंह, हम दोनों छुप कर मोर्चा संभालते हैं। नाउ फॉलो मी। शेर सिंह, क्या देख रहे हो? सर, देख रहा हूँ मूछ वाली पत्नी कैसी होती है। शेर सिंह, give me your hand. Hi. अरे ग्रोवर, पापा। हाय। है बेटा, आज दफ्तर नहीं गया बेटा? बस अभी जाऊंगा। पापा जी आइए, नाश्ता करेंगे। नहीं बेटा, वो क्या है कि हम थोड़ा जल्दी में हैं। पापा जी, हाँ मैं नाराज हूँ। क्या हो गया दामाद जी? पापा जी, आपको नाश्ते के लिए पूछा, मेरे को नाश्ते के लिए नहीं पूछा। मैं नाराज हूँ। गलती हो गई दामाद जी, हम पूछ लेते हैं। आप नाश्ता करेंगे? करेंगे पापा जी। तो बाद में करेंगे, अभी हम जल्दी में हैं। बेटा वो फूफा जी नजर नहीं आ रहे हैं। ना आ रहे हैं। वो क्या है कि हम उनके लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी। अरे गुल्लू बेटा, हम नहा लिए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहने क्या। फूफा जी, हम आपके लिए वो सूटकेस में कुछ कपड़े लाए। वो हमको पता था कि आपको दफ्तर जाना है, तो हमने समधी जी को समझाया, उनके साथ कुछ जुगाड़ लड़ाया और आपके लिए कपड़े लेकर आए हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय हो पंडित जी, जय हो। चलो, ये आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऐसा हम कपड़े यही बदल लेते हैं, आप लोग उधर मुकर के खड़े हो जाइए। भाई, हम तो तैयार हो गए दफ्तर जाने के लिए। चलो बेटा गुल्लू, दफ्तर। भाई, ये आपने बहुत अच्छा किया। दफ्तर को मिस करना और टाए टाए फिस होना, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। बोल छाचे दरबार की। चलो चली चली फूफा जी, जरूरी नाश्ता, नाश्ता। अरे वो हम दफ्तर में जाके खा लेंगे। आओ बेटा गुल्लू, आओ खाओ। आइए आइए फूफा जी। एक मिनट, हमारे दोपहर के खाने का डब्बा तो रह ही गया। दामनी बेटा, अरे बेटा जरा दोपहर के खाने का डब्बा दे दे बेटा, जल्दी लीजिए। आहा, क्या खुशबू है। आइए आइए फूफा जी, चलो आइए फूफा जी। एक मिनट, अरे हमारा बटुआ तो रह ही गया। अरे दामनी बेटा, तेरा बटुआ लाना। लीजिए फूफा जी। अरे देर हो रही है, जल्दी चलिए। अरे देर हो रही है तो आप जाइए। हमें नहीं, आप तो देर हो रही है। अच्छा अच्छा, अब क्या हुआ? अरे हम देख रहे हैं कि कर्नल भाई साहब तो बाहर नहीं है। कर्नल साहब नहीं है? अरे कर्नल साहब तो अपने घर पर भी नहीं है। अच्छा, तो मैं ठीक है। ओके।
चंदी की नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? चंदी जी, आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? अरे कर्नल भाई साहब, आप यहाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.